नोटबंदी को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सभी दल अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वाम दलों ने भारत बंद बुलाया है। बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, जहां कोलकाता में सड़कें खाली हैं। हालांकि यहां लेफ्ट के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केरल में भी सत्ताधारी CPM ने राज्यव्यापी हड़ताल बुलाई है। यहाँ इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। सड़कें खाली हैं और बाजार बंद है। वहीं बिहार के दरभंगा में CPI ML के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया और जहानाबाद में भी CPI कार्यकर्ता बैनर लेकर काफी संख्या में सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि लेफ्ट के बंद को नीतीश कुमार की JDU, ममता की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं है। हालांकि फिर भी सभी दल आज सरकार को घेरने में लगे हैं। कोलकाता में खुद ममता बनर्जी ने मार्च निकाला और सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सड़क पर उतरे, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने आक्रोश मार्च निकाला। नोटबंदी के फैसले से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इलाहाबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और PM मोदी का पुतला फूंका। तो देश भर में आज विपक्ष किस तरह सरकार को घेरने में जुटा है, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जहां सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, मार्च निकाले जा रहे हैं, इसके विपरीत सरकार आज जन आभार दिवस मना रही है। इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि BJP कार्यकर्ता मिठाई खिलाकर नोटबंदी का समर्थन करने वाले लोगों का आभार जता रहे हैं और नोटबंदी के फायदे गिनाए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो नोटबंदी के फैसले को लेकर आज सरकार के खिलाफ विपक्षी दल सड़क पर उतरे। हालांकि बंदी का कुछ खास असर नहीं दिखा, लेकिन जन आक्रोश रैली में काफी आक्रोश देखने को मिला। PM मोदी का पुतला फूंका गया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारत बंद से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए DB Live।